यहाँ अहमदाबाद में लोग जमीन खरीद नहीं रहे हैं और कश्मीर में जमीन खरीदने की बात हो रही है। यहाँ देश में सबसे ज्यादा महंगी बिजली लोगों को खरीदनी पड़ रही है। 22 बार पेपर लीक हुआ है, हुआ है कि नहीं हुआ है? पेपर लीक हो रहा है रोज यहाँ पे। जब भ्रष्टाचार होगा, पुल टूटेगा, तो गुजरात के लोगों को जान गंवानी पड़ेगी, रूस के लोगों की जान नहीं जाएगी। आपकी जो समस्या है, उन समस्याओं से निजात पाना, उन समस्याओं से छुटकारा दिलाना, यह सरकार की जिम्मेवारी है। हम सरकार को टैक्स देते हैं, नमक खरीदते हैं उसमें भी टैक्स देते हैं, चप्पल खरीदते हैं उसमें भी टैक्स देते हैं, सर से लेकर पांव तक अपनी जिंदगी में हम जो भी इस्तेमाल करते हो, हर चीज के ऊपर सरकार को टैक्स देते हैं। और हमारे टैक्स के बदले में सरकार की यह जिम्मेवारी है कि हमारे लिए चलने के लिए सड़क बनाए। यहां सड़क बनती नहीं है, टोल पहले वसूलना शुरू कर देते हैं। आप सोचिए कि जब आप गाड़ी खरीदते हैं तब भी आप रोड टैक्स देते हैं, और जब उस गाड़ी को लेकर के रोड पे जाएंगे तब भी आपको टोल टैक्स देना पड़ता है। ये कौन सा कानून है भैया? इंसान होने की सजा दो दो बार लोगे क्या? आप हर चीज के ऊपर टैक्स देते हैं, तो यह सरकार की जिम्मेवारी है कि वो आपके लिए चलने के लिए सड़क बनाए। जब आप बीमार हो तो आपके लिए अस्पताल हो, आपके बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल हो, आपकी जिंदगी की जरूरतों को पूरा करना और आपको सुरक्षा देना, यह सरकार की जिम्मेवारी है। सरकार आजकल जिम्मेवारी नहीं उठाती है, चुनाव के वक्त लोगों को डराती है, डर की राजनीति करती है, चुनाव के वक्त लोगों को उनके पहचान के आधार पर लड़ाती है, चुनाव के वक्त जो लोगों के सवाल हैं, रोजी रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य सड़क बिजली पानी, इन चीजों को छोड़ करके दुनिया भर की बात करती है। हमको आपको इस बात पे विचार करना पड़ेगा कि वो कौन सी ऐसी ताकत है, वो कौन सी ऐसी शक्ति है जिसके चलते गृह मंत्री को कल्लोल में आकर के सभा करना पड़ता है। वो कौन सी ऐसी शक्ति है कि 5 साल में एक बार हमारे गांव में हेलीकॉप्टर दिख जाता है ऊपर से चलते हुए? वो ताकत है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ संविधान। और इस संविधान के चलते, इस संविधान ने आपको एक ताकत दी है कि हेलीकॉप्टर पर उड़ने वाला का भी वोट एक, अब पैदल चलने वाला का भी वोट, तिलक लगाने वाला का भी वोट, और टोपी पहनने वाला का भी वोट, महिला का वोट, पुरुष का वोट, फॉर्च्यूनर पर चलने वाले का, साइकिल पर चलने वाले का। ये अगर वोट का अधिकार नहीं होता ना, तो कोई भी आपके बीच नहीं आता। अगर राजा का बेटा राजा बनता रहता तो चुनाव नहीं होते, और चुनाव 5 साल में इसलिए होता है कि आप ये तय कर सकें कि सरकार 5 साल में क्या काम की है। और अगर सरकार ने काम नहीं किया है तो आप सरकार को बदल दें। रोटी को 5 मिनट क्या अम्मा तवा पे छोड़ देंगे तो क्या होगा? 27 साल से आप लोग रोटी छोड़ दिए हैं, पलट ही नहीं रहे हैं। और उसी का नतीजा है कि सत्ता का अहंकार पैदा हो गया है। वो ये भूल गए हैं कि लोकतंत्र में सरकार चुनने का अधिकार जनता को होता है, टीवी स्टूडियो में सरकार नहीं बनता है। टीवी स्टूडियो में सरकार बन रहा है। अगर टीवी स्टूडियो में ही सरकार बनना है तो फिर चुनाव क्यों होना है? क्यों चुनाव होता है? आप देखिए, बार 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 आपके मोबाइल में एक मैसेज आ रहा है कि भाजपा जीत रही है। बार 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 टीवी में यह दिखाया जा रहा है कि भाजपा जीत रही है।
जब जीत ही रही है तब चुनाव क्यों हो रहा है? जानते हैं ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि जब आप सुबह उठते हैं, मोबाइल खोलते हैं और उस पर एक प्रचार आए, ठंडा मतलब कोका कोला, फिर आप तैयार होते हैं काम करने के लिए, घर से बाहर निकलते हैं तो बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, तेंदुलकर जी कह रहे हैं ठंडा मतलब कोका कोला। दोपहर होगी, आपको प्यास लगेगी ना, तो अपने आप आपके दिमाग में म्यूजिक बजेगा ठंडा मतलब, और आप दुकान पे जाकर के क्या करेंगे, ए भैया एक कोका कोला दे दो। ये जो बार 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 आपको प्रचार करके बताया जाता है ना, तो धीरे 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 आपका दिमाग भी मान लेता है कि ठंडा मतलब, ठंडा मतलब अगर कोका कोला होता है तो हमारे पुरखे बेवकूफ थे कि लस्सी पीते थे, बताइए। जो बात हर बार दिखाई जाती है जरूरी नहीं कि वो बात सच होती है। दिखाया तो टीवी में ये भी जाता है कि फेयर एंड लवली लगाने से मुंह गोरा हो जाता है, कितने लोगों का हुआ है? एक आदमी हमको बता दीजिए जिसका फेयर एंड लवली लगाने से मुंह गोरा हो गया हो। अगर ऐसा है तो मेरे पास एक भैंस है, मैं उसको फेयर एंड लवली लगा देता हूं, देखते हैं वो गोरा हो जाता है। ये प्रचार है, मैं प्रचार की बात नहीं कर रहा हूं, और न मैं आपके बीच में प्रचार करने के लिए आया हूं। मैं आपके बीच में आपके वोट का जो अधिकार है ना, मैं प्रचार के नहीं आपके अधिकार की बात करने के लिए आया हूं। और ये अधिकार अगर हमारे पास नहीं होता ना, तो रास्ते में हमको मिले थे जय शाह के पप्पा, जा रहे थे सायरन बजाते हुए वहीं वहीं करते हुए, तो वो मुझे जेल में डाल देते। पता है उनके आंख में आंख डाल करके सवाल क्यों पूछते हैं? क्योंकि ये संविधान जितना इस देश के गृह मंत्री को अधिकार देता है, उतना ही अधिकार इस देश के किसान के बेटे को देता है कि सत्ता से आंख में आंख डाल करके सवाल पूछे कि बताओ 27 साल से सरकार चला रहे हो, अब भी लोगों को डरा रहे हो। 2022 में चुनाव हो रहा है, 2002 का गाना क्यों बजा रहे हो? क्यों 2002 का गाना बजा रहे हो? इसलिए बजा रहे हो ना, 2022 में 2002 का गाना इसलिए बजाया जा रहा है ताकि कोरोना की बात भूल जाए। ये गाना इसलिए बज रहा है ताकि कोरोना की बात नहीं हो, ताकि लोग ये सवाल नहीं पूछें कि कोरोना में गुजरात के अंदर 4 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, कौन है इसके लिए जिम्मेवार? आपको हम टैक्स दे रहे हैं ना, हर चीज पे टैक्स दे रहे हैं, आपको हम टैक्स दे रहे हैं तो हमको ऑक्सीजन का सिलेंडर क्यों नहीं मिल रहा है? अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में जब लोग तड़प रहे थे तो उनको ऑक्सीजन का सिलेंडर क्यों नहीं मिल रहा था? रोगियों के लिए एम्बुलेंस क्यों नहीं मिल रहा था? और जिनकी दर्दनाक मौतें हुई उनको कब्रिस्तान और शमशान में जगह क्यों नहीं मिल रहा था? कौन लेगा इसकी जिम्मेवारी? कोई तो होगा इसके लिए जिम्मेवार, और उसकी जिम्मेवारी नहीं तय की जा सके, इसीलिए क्या किया गया है, नई बोतल में पुराना शराब परोसा गया है। एक सवाल आप हमको पूछ करके बताइएगा, अपने मन में भी सोचिएगा कि 3 मुख्यमंत्री बदल दिए गए। साहब मुख्यमंत्री ऐसे बदलते हैं जैसे लोग शर्ट बदलता है, यह प्रश्न पूछा जाना चाहिए ना कि आनंदी बेन पटेल अच्छी मुख्यमंत्री थी कि नहीं, किसी भी भाजपा के कार्यकर्ता को बुला करके पूछिएगा, आएगा ना वोट मांगने के लिए, कहिएगा ए भाई इधर आ जाओ बैठो चाय पियो, आओ हम भी चाय पर चर्चा करते हैं। बताओ बताओ कि आनंदीबेन पटेल को मुख्यमंत्री पद से क्यों हटा दिया? खराब थी, अच्छा काम नहीं कर रही थी। अगर अच्छा काम नहीं कर रही थी तो राज्यपाल क्यों बना दिए? क्यों बनाया राज्यपाल? और अच्छा काम कर रही थी तो हटा क्यों दिए? रूपानी जी को मुख्यमंत्री क्यों बनाए? अगर अच्छा काम कर रहे थे तो हटाया क्यों? और अगर बुरा काम कर रहे थे तो पार्टी से निकाला क्यों नहीं? सिर्फ एमएलए का टिकट क्यों काटा, पार्टी से बाहर कर देते?
एक आए हैं भोपा भाई, भोपा भाई को मैं एक दिन प्रधानमंत्री के कार के पीछे दौड़ते हुए देखा और एसपीजी वाला उनको साइड कर रहा था। अहमदाबाद जब मैं आया तो मैं भाजपा का पोस्टर देख रहा था, पोस्टर में भी उनको साइड कर दिया गया है। आप बताइए गुजरात के मुख्यमंत्री का क्या नाम है, याद है ना कि भूल गए? नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री नहीं हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम है भूपेंद्र पटेल। ये अदला बदली क्यों हो रहा है? ये अदला बदली इसलिए हो रहा है ना कि आप तय ही नहीं कर सकें कि गुजरात में जो भ्रष्टाचार पैदा हुआ है, जिसके चलते मोरबी की दर्दनाक हादसा हुई है, 22 बार पेपर लीक हुए हैं, किसानों को आत्महत्या करनी पड़ रही है, 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, जीएसटी और नोटबंदी के चलते छोटे व्यापारियों को नुकसान हुआ है, इसकी जिम्मेवारी न तय की जा सके, इसीलिए अदला बदली हो रही है ताकि यह झूठ बोला जा सके। हर मंच में जाकर के जैसा का पप्पा बोल रहा है कि तुमको जो है मंत्री बना देंगे। अरे भाई कितना मंत्री बना दोगे? अव्वल तो सरकार आएगी तब ना मंत्री बनाओगे, बिना सरकार आए ही मंत्री बना दोगे? गुजरात की सरकार बीसीसीआई थोड़ी है कि अपने बेटा को सेक्रेटरी बना दोगे, जनता वोट देगी तब ना, बहुमत आएगा तब ना, सरकार बनेगी तब ना। हर एमएलए को जाकर के, अभी वो एमएलए हुआ भी नहीं है, मंच में जाके कह रहे हैं कि इसको वोट दीजिए तो हम इसको जो है मंत्री बना देंगे। अरे भाई ये बताओ ना कि घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने का ठेका क्यों दिया? ये बताओ कि प्रश्न पत्र लीक कैसे हो रहा है? ये बताओ कि किसानों को उनके फसल का दाम क्यों नहीं मिल रहा है? ये बताओ कि यहां पे कुपोषण क्यों है? ये बताओ कि नौजवानों को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? अव्वल तो ये बताओ कि 400 का सिलेंडर 1000 रुपए में क्यों बिक रहा है? प्रधानमंत्री का एक भाषण सुन रहे थे, प्रधानमंत्री जी को हम बहुत प्यार करते हैं, आपको मालूम है कि नहीं? आई लव हिम। नहीं सीरियसली बोल रहे हैं, पता है क्यों? क्योंकि ये इस इंसान के चलते संभव हो पाया है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चलते। अगर इस देश में ऐसा संविधान नहीं होता ना, अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं होते, अगर महात्मा गांधी नहीं होते, अगर सरदार पटेल नहीं होते, तो नरेंद्र मोदी भी चाय बेचने वाले इस देश के प्रधानमंत्री नहीं होते। तो एक बार वो भाषण दे रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं 2-3 किलो गाली खाता हूं। महाराज साहेब आप तो गाली खा लेते हैं, आप बताइए कि हम थाली कैसे खाएं? हमारे थाली में कैसे 200 रुपए नींबू खरीद करके हम खाएं? कैसे 250 रुपए किलो दाल खरीद के खाएं? कैसे 250 रुपए किलो तेल खरीद के खाएं? इस सवाल का जवाब हमको दे दीजिए। और हम ये समझना चाहते हैं कि आपके इस कथन का क्या मतलब था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आप तो गाली खा रहे हैं, हमको थाली नहीं खाने दे रहे हैं। यही जब चर्चा हो रही थी तो भाजपा का मेरा एक दोस्त बोला, देखो छोटी छोटी बातें मत करो, छोटा बात मत बोलो, महंगाई बहुत छोटी बात है उनके लिए, बड़ी बड़ी बातें करो। बड़ी बातें मतलब रूस की बात, यूक्रेन की बात, बड़ी बातें करो। हम बोले बड़ी बातें कर तो लेंगे, लेकिन उससे हमारे जीवन पे असर क्या पड़ेगा ये बताओ। उन्होंने कहा कि कुछ मत कहो, प्रधानमंत्री जी यूक्रेन का युद्ध बंद कराने में बिजी हैं। हम बोले प्रधानमंत्री जी यूक्रेन का युद्ध बंद करा रहे हैं, 1000 रुपए सिलेंडर के चलते हमारा चूल्हा बंद हो रहा है। आप तय कर लीजिए, मैंने आपको पहले ही कह दिया,
मेरी ये हैसियत नहीं है कि मैं आपको समझाऊं। अरे हमारी हालत तो खुद ही खराब है, बिहार यूपी से आकर के यहां अहमदाबाद में रोजगार लेते हैं, तो हम आपको क्या कहेंगे। लेकिन आप सोचिए, आपके ही नाम पर, गुजरात के नाम पर, जहां पर महान मोहनदास करमचंद गांधी पैदा हुए, सरदार वल्लभ भाई पटेल पैदा हुए, एक से एक संत और महात्मा पैदा हुए, उस महान भूमि के नाम पर जो धोखा हुआ है ना साहब, उस धोखा का जवाब अगर कोई दे सकता है तो गुजरात की जनता दे सकती है। और यह जिम्मेवारी आपके कंधे पे है कि आपको तय करना पड़ेगा कि जब चुनाव हो रहा है और लोकतंत्र में चुनाव हो रहा है, जनता को अगर चुनाव करना है तो यह चुनाव किस मुद्दे पर होगा। अगर इस देश के गृह मंत्री को अपने बेटा के भविष्य के बारे में सोचने का अधिकार है, तो जूता सिलने वाले को भी अपने बच्चे के बारे में सोचने का अधिकार है। अगर मंत्री बनने से किसी का बेटा टैलेंटेड हो सकता है, बीसीसीआई का सेक्रेटरी हो सकता है बिना क्रिकेट खेले ही, तो इस देश के आम लोगों को भी अधिकार है कि उसके बच्चे को शिक्षा मिले और शिक्षा लेने के बाद उसकी योग्यता के आधार पर उसको काम मिले ताकि वो आत्मसम्मान से अपनी जिंदगी को जी सके। सारे मुद्दे गायब कर दिए गए हैं, महंगाई की कोई बात नहीं हो रही है, बेकारी की कोई बात नहीं हो रही है, किसानों के आत्महत्या की कोई बात नहीं हो रही है, महिला सुरक्षा की बात नहीं हो रही है। कहां से होगी महिला सुरक्षा की बात? देश में 16 मिनट में एक महिला के साथ बलात्कार होता है और देश के गृह मंत्री लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। कहां से होगी महिला सुरक्षा की बात जब सरकार में बैठे हुए लोग बलात्कारियों को संस्कारी बताएंगे? तो आप बताइए कि महिला सुरक्षा की बात कैसे होगी। इसीलिए यह जिम्मेवारी आपके कंधे पे है। आपको यह तय करना है कि गुजरात के चुनाव से क्या संदेशा जाना चाहिए। जब मैं आ रहा था तो एक पत्रकार ने पूछा कि आपके हिसाब से गुजरात में क्या होगा। हमने कहा कि गुजरात में सिर्फ दो चीज हो सकती है, एक तो जो चल रहा है ना वही चलेगा, जो हो रहा है वही होगा, दूसरा गुजरात में परिवर्तन होगा। और गुजरात में परिवर्तन अगर कोई कर सकता है, और यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात भाजपा को पता है कि गुजरात में परिवर्तन अगर कोई पार्टी कर सकती है तो उस पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। और 2017 के चुनाव में आप लोगों ने देखा है कि कैसे 2-400 के चलते सरकार बनते बनते रह गई। इसीलिए परिवर्तन करना है उसका निर्णय आपको लेना है। 27 साल में जो हो रहा है वही होता रहे उसका निर्णय भी आपको लेना है। अगर परिवर्तन करना है तो एक बात हमको समझनी पड़ेगी कि समाज में दो तरह के मत हैं, दो तरह के मत हैं। एक मत है जिसको अगर आप इतिहास के दृष्टिकोण से देखना चाहते हैं तो वो मत सरदार वल्लभ भाई पटेल का गुजरात मॉडल चाहता है। दूसरा मत है जो जय शाह के पप्पा का गुजरात मॉडल चाहता है। दो मत हैं। पहले मत के हिसाब से मोरबी में जो घटना हुई उसमें सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है, जय शाह का पप्पा मॉडल वाला, कि चोर को भगा दिए और चौकीदार को जेल में डाल दिए, यही हुआ ना। दूसरा जो मत है उसके हिसाब से भ्रष्टाचार हुआ और इसमें सरकार की लापरवाही है। जो सरकार की कोई जवाबदेही नहीं मानते हैं वो एक तरफ हैं, उनका आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप कितना भी बीन बजा लीजिए उनके ऊपर कोई असर नहीं होने वाला है, क्योंकि जो सो रहा है उसको जगा दीजिएगा हिला डुला के, और जो सोने का नाटक कर रहा है, क्या रे बुतरू, स्कूल जब जाने का मन नहीं होता है तो जबरदस्ती सोने का नाटक करते हो ना। जो सो रहा है उसको आप जगा देंगे,
जो सोने का नाटक कर रहा है उसको आप नहीं जगा सकते हैं। तो जो जागे हुए लोग हैं ना, जो दूसरे मत के हैं, जो ये मानते हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, जो ये मानते हैं कि प्रश्न पत्र का लीक होना लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है, जो मानते हैं कि 400 का सिलेंडर 1000 में बिकना ये महंगाई है, जो मानते हैं कि सबसे ज्यादा बेकारी का होना समाज की सबसे बड़ी समस्या है, वो दूसरे मत के लोग हैं। और ये जो दूसरे मत के लोग हैं ना, ये अगर एकजुट रहे तो गुजरात में परिवर्तन होने से कोई नहीं रोक सकता, इस बात को याद रखिएगा। वो चाहे जितना भी इधर उधर की बात कर लें, जबरदस्ती भावना को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, जबरदस्ती। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक उदाहरण दिया, उस उदाहरण के हिसाब से उन्होंने समझाने की कोशिश की कि भाई अलग अलग चुनाव होता है, वार्ड का चुनाव अलग होता है, पंचायत का चुनाव अलग होता है, विधानसभा का चुनाव अलग होता है, लोकसभा का चुनाव अलग होता है। यह विधानसभा का चुनाव है। विधानसभा के चुनाव में हो ये रहा है कि मोदी जी हो गए हैं ग्लोबल लीडर, देश में रहते ही नहीं है, अमेरिका लंदन इधर उधर घूमते रहते हैं, तो उनका ध्यान अब अहमदाबाद सूरत गुजरात के राजकोट पे नहीं है, अपना कोट टाइट और लंदन में हाय हाउ आर यू, तो वो ना अब देख ही नहीं रहे कि गुजरात में क्या हो रहा है। तो वो हो गए हैं इंटरनेशनल। एक पार्टी आई है दिल्ली से, उसको होना है नेशनल, लोकल तो यही है ना बलदेव जी, यह है लोकल। तो अब आपको तय करना है कि आपको क्या करना है। हमारे अध्यक्ष ने जो है एक उदाहरण दिया, टूट पड़ी पूरी की पूरी बीजेपी, अरे ऐसा कैसे बोल दिया, अरे ऐसा कैसे बोल दिया, और मर्यादा की बात करने लगे। मैं आपको याद दिलाऊं, याद आ जाएगा, टीवी में बैठ करके मेरे सामने भाजपा के प्रवक्ता ने मोदी जी को देश का बाप बोला। बोलिए देश का अपमान है कि नहीं है? अपमान है ना। मोदी जी को देश का बाप बोलने वाले भाषा की मर्यादा सिखा रहे हैं। कहते हैं ना, जिसके पास खुद ही 75 छेद हो वो दूसरे का छेद गिना रहे हैं। जिनका घर खुद शीशे का हो ना, उनको दूसरे के घर पे पत्थर नहीं मारना चाहिए। बीजेपी से आप भाषा की मर्यादा की बात करते हैं, असली मसला यह है कि हमारे अध्यक्ष का नाम यदि मल्लिकार्जुन खड़गे की जगह मल्लिकार्जुन अंबानी होता ना, तो चरण चाट रहे होते, यही हकीकत है। तो ये बात का बतंगड़ बना रहे हैं। बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हैं? क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। 27 साल से आप सरकार चला रहे हैं, बच्चा जो पैदा हुआ वो 27 साल का हो गया, 5-6 साल वैलेंटाइन डे मना लिया, आई लव यू टू, शादी हो गई, अब उसके बच्चे हो गए हैं। इतने साल से कांग्रेस की सरकार नहीं है, तब भी हर मंच पे जाकर के, हर रैली में जाकर के कांग्रेस को गालियां निकाल ली हैं। तो मेरे मन में एक ही सवाल आता है कि पैदाइशी बेशरम है कि सुबह सुबह कोई चूरन खाते हैं बेशर्मी का? अरे जिसकी सरकार है 27 साल से, उसकी जिम्मेवारी तय होगी ना। और पूरे धैर्य के साथ 27 साल से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लगातार चुनाव हारने के बावजूद आपके बीच में गुजरात में एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा रही है। अगर मजबूत विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रही होती ना, तो ऊना आंदोलन में डट करके सरकार से लड़ने वाला जिग्नेश मेवानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नहीं होता। कोई भी जो लड़ने वाला है, संघर्ष करने वाला है, जो सत्ता के सामने दलाली नहीं करता है, लोभ नहीं करता है, बिकता नहीं है, वो आज राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। इसीलिए यह बात भाजपा को पता है कि अगर उसको कोई हरा सकती है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हरा सकती है। और आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, कोई भी ऐसी पार्टी जो गुजरात में परिवर्तन का दावा कर रही है, उसका हकीकत क्या है? आम आदमी पार्टी दिल्ली में किसको हरा के सरकार बनाई?
कांग्रेस को। पंजाब में किसको हरा के सरकार बनाई? भाजपा को हराई है। और भाजपा चुनाव हारी राजस्थान में किससे? मध्य प्रदेश में चुनाव हारी किससे? छत्तीसगढ़ में चुनाव हारी किससे? और 2017 में चुनाव हारते बच गई किससे? इतना सीधा गणित है महाराज। आप तो गुजरात के हैं, आपका गणित इतना बढ़िया है। जो 2, 4, 5, 7, 8 सीट का अंतर था ना, उसको अगर 10, 20, 50 सीट का अगर आप अंतर कर दिए होते तो मोटा भाई का सूटकेस काम नहीं करता। छत्तीसगढ़ की सरकार नहीं पलटी क्योंकि जोरदार बहुमत था। मध्य प्रदेश की सरकार पलट गई क्योंकि बॉर्डर पे खड़े थे। तो आपसे यही गुजारिश करना चाहते हैं, मत अस्पष्ट रखिए। या तो जो चल रहा है ना चलने दीजिए, जियो धन धना धन, बढ़िया सिस्टम है ना। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगा सरकारी संस्थान ना लेनी पड़ेगी सरकारी नौकरी। बेटा बन जाएगा बीसीसीआई का सेक्रेटरी और आप ढोल बजाते रहिए। 45 साल में देश से सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, इस बात को याद रखिएगा। बड़ी मुश्किल से पेट काट करके जो है माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कि बच्चे को नौकरी मिलेगी तो घर बनाएंगे, गाड़ी खरीदेंगे, वॉशिंग मशीन आएगा। आपके घर में वॉशिंग मशीन नहीं है, भाजपा के दफ्तर में लगा हुआ है। जिस कांग्रेस को भ्रष्टाचारी बोलते हैं, जिस कांग्रेस के नेता को भ्रष्टाचारी बोलते हैं, जब तक वो कांग्रेस में रहता है तब तक भ्रष्टाचारी है। बीजेपी का खेस ओढ़ते जो सदाचारी बन जाता है। यही हो रहा है ना। आपको विचार करना है, परिवर्तन करना है, तो आपके सामने एक विकल्प है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विकल्प। और जो चल रहा है फेयर एंड लवली, तो इंतजार कीजिए कब मुंह गोरा होगा। डराने का जो धंधा चल रहा है तो इंतजार कीजिए कि आपका डर कब खत्म होगा। अरे गुजरात में सरकार बना दिए, वार्डर बना दिए, एमपी बना दिए, मुख्यमंत्री बना दिए, प्रधानमंत्री बना दिए, अब क्या कीजिएगा? अमेरिका का राष्ट्रपति बना दीजिएगा क्या? तो नेताओं का ही भविष्य सुधरता रहेगा, जनता का क्या होगा लोकतंत्र में? इस बात का निर्णय लेना पड़ेगा। और ये याद रखिएगा, ये वही देश है जिस देश के लोगों ने नंगे पांव खाली बदन अंग्रेजों के टैंक के सामने खड़े हो गए और 200 साल की गुलामी को उन्होंने समाप्त कर दिया था। इस बात को याद रखिएगा, याद रखिएगा कि ये जमहूरियत, ये लोकतंत्र गिफ्ट में नहीं मिला है, लोगों को अपनी जिंदगी कुर्बान करनी पड़ी है। और जो लोग सत्ता का अहंकार में बैठ करके उनको लगता है कि हम परिवर्तन नहीं होने देंगे, अगर उसको कोई सबक सिखा सकता है, उनको कोई याद दिला सकता है कि जनता लोगों को कुर्सी पे बिठाती है और जब जनता चाहेगी तो कान पकड़ करके कुर्सी से नीचे भी उतार देगी, यह काम आपके हाथ में है। और यह काम अगर आप करने के लिए तैयार हैं तो एक बात याद रखिएगा, दिल दीजिए ना तो पूरा दीजिए। जब परिवर्तन का मन बना लिए हैं ना तो इतना इतना जानदार और शानदार तरीके से परिवर्तन कीजिए कि किसी की तिजोरी आपके मत को खरीद ना पाए, इतना शानदार तरीके से परिवर्तन कीजिए। क्योंकि सड़क पार करते हुए अगर धोखा हो जाए, मन में दुविधा हो जाए तो एक्सीडेंट हो जाता है। जब वोट देने के लिए जाइएगा अपने सवाल पर, तो याद रखिएगा जैसे एक एक ईंट जोड़ने से घर बनता है, एक एक कदम चलने से मंजिल मिलती है, उसी तरीके से एक एक विधायक को जिताने से बहुमत मिलता है। इस बात को याद रखिएगा। और जब ये परिवर्तन का बहुमत आप देंगे तो मैं आपसे नेता की तरह नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, आपके बच्चे की तरह एक साधारण कार्यकर्ता होने के नाते, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक सिपाही होने के नाते, मैं आपसे ये जरूर प्रॉमिस करता हूं, ये वचन देता हूं कि जो 8 वचन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लिया है उसको हम पूरा करेंगे। 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं उनको परमानेंट नौकरी मिलेगी, पुराना पेंशन बहाल करेंगे, किसानों को मुआवजा मिलेगा, जिन लोगों को जान गंवानी पड़ी है उनको मुआवजा मिलेगा, और जो खतरनाक बीमारी से जूझ रहे हैं उनका मुफ्त इलाज करेगा। जो
रोजी रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य बिजली पानी का सवाल है, उसको राजनीति के केंद्र में लाएंगे, नफरत को हराएंगे, मोहब्बत को जिताएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप निर्णय लेंगे और गुजरात में परिवर्तन होगा। देश ही नहीं पूरी दुनिया देख रही है कि सरदार की धरती और गांधी की धरती से एक मोहब्बत का संदेशा आने वाला है। इसी आशा और उम्मीद के साथ एक बार फिर से आप तमाम लोगों का, जिन लोगों तक हमारी आवाज पहुंच रही है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, जय गुजरात। खूब बहुत धन्यवाद कन्हैया कुमार जी।